तो इससे पहले हमने टेंडर के बारे में जाना कि टेंडर होता क्या है, और अब देखेंगे हम लोग टेंडर आमंत्रित सूचना नोटिस इन राइटिंग टेंडर में निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति या पार्टी कोई निविदा आमंत्रित करता है, कोई टेंडर को नोटिस इनवाइटिंग टेंडर तैयार करता है, तो उसको अपने नोटिस में कौन कौन सी जानकारी मेंशन करनी चाहिए उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, कार्य का नाम, संक्षिप्त विवरण, स्थिति, कार्य परिमाण तथा अनुमानित लागत। तो सबसे पहले हमको क्या मेंशन करना होता है कि हमारा काम का कार्य, हमारे जो कार्य है उसका नाम क्या है। ठीक, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है या किसी और डिपार्टमेंट का काम है, वो जी कार्य का नाम मेंशन करना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल संक्षिप्त विवरण देना पड़ता है। जैसे वो काम कितने दिनों में होना चाहिए, उसका हमको जो एक टाइम लिमिट होगा कि इतने दिन से पहले हमको कार्य पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, कार्य की स्थिति, कार्य परिमाण तथा अनुमानित लागत, कि जो हमारा जो काम है, ठीक, या किसी भी पार्टी का जो काम है वो कितने लागत में तैयार हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है इसमें निविदा सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता। तो ये भी जरूरी है। अब जैसे हमको न्यूज़पेपर के थ्रू या एडवर्टाइज किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक निविदा का प्रोफार्मा मिलता है, ठीक है, अब हमने उसको देखा, हम पढ़ लिए, लेकिन हमको यही नहीं पता कि वो जो टेंडर है, वो जो टेंडर है उसको आमंत्रित किया कौन है। ठीक है, निविदा सूचना जानकारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता, अब हमको यही नहीं पता कि ये आया कहाँ से है, तो हमको हम किससे इसके बारे में जानकारी लेने के लिए संपर्क करेंगे। ठीक, तो उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, निविदा सूचना जानकारी करने जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता। उसके बाद क्या है, कार्य पूर्ण करने की अवधि। अब जैसे मैं किसी भी व्यक्ति या पार्टी के द्वारा कोई भी निविदा आमंत्रित किया जाता है, कोई भी टेंडर इनवाइट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कार्य, जिस भी कार्य के लिए आपका टेंडर इनवाइट किया जा रहा है, उसमें अनुमानित लागत, मतलब कितना लग सकता है एक हिसाब से, जैसे 2 BHK फ्लैट है तो 5 लाख, 3 BHK फ्लैट है तो 10 लाख, मतलब ऐसे एज्यूम करके कितना लग सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट लागत है वो कार्य होने के बाद ही, मतलब जो भी आपका वर्क है वो जब कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से, उसके बाद ही एकदम एग्जैक्ट जो रेट है उसका वो पता चलता है। लेकिन कार्य से पहले हम लोग क्या करते हैं, काम कंप्लीट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका अनुमानित लागत निकालते हैं। ठीक है, जो पार्टी है जो टेंडर इन्वाइट करता है वो क्या करता है, पहले उसका जो काम है उसके हिसाब से वो क्या करता है, एक अमाउंट तय करता है कि इतने अमाउंट के अंदर मेरा काम होना चाहिए। ठीक, तो क्या है इसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि, और उसमें ये भी जरूरी है कि इतने अमाउंट के साथ, अगर ज़्यादा बड़ा काम है तो उसके लिए टाइम लिमिट कितना देना है, अगर छोटा काम है तो उसके लिए कितना टाइम देना है। अब अगर मान के चलिए मेरा कोई बहुत छोटा काम है, ठीक है, और मैंने उसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि मेंशन नहीं की है, अब सामने वाला जो ठेकेदार है, ठीक है, जो सामने वाला ठेकेदार है वो क्या करेगा, उसमें तो टाइम लिमिट मेंशन ही नहीं किया हुआ है, वो अपना मनमानी काम करेगा, वो आपको 1 महीने में भी काम पूरा करके दे सकता है या उस काम को पूरा करने के लिए वो 1 साल भी लगा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या जरूरी है, कार्य पूर्ण करने की अवधि। ठीक है, और जो अनुमानित लागत वाला मैं बता रहा था, अनुमानित लागत वाला क्या है, अगर आप वो एक फिक्स रेट मेंशन नहीं करते अपने टेंडर में, अगर आप फिक्स रेट मेंशन नहीं करते तो क्या होता है, उसमें जो ठेकेदार रहता है वो बिल जो आपके पास बिल पेश करेगा, ठीक है, काम होने के बाद जो आपको वो बिल देगा उसमें हो सकता है वो कई चीज़ों का रेट बढ़ा के दे, क्योंकि उसको तो आपसे पैसे लेने हैं, वो
वो चाहेगा, कोई भी ठेकेदार ये चाहेगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा काम का निकलवा सकूँ ताकि मेरे को ज़्यादा फायदा हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अगर आपने अनुमानित लागत मेंशन नहीं किया है, एक रेट फिक्स नहीं किया है, तो ठेकेदार मनमानी काम करेगा और आपसे उस कार्य का मनमानी पैसा लेगा। ठीक, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुमानित लागत और कार्य पूर्ण करने की अवधि दोनों को जो हमारे टेंडर रहता है उसमें हम लोग मेंशन करते हैं। अब उसके बाद क्या है, कार्यालय का नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यालय का नाम तथा समय जहाँ प्रपत्र लगते आदि का कार्य संबंधी जानकारी मिले। ठीक, तो जो हम लोग टेंडर डिमांड कर रहे हैं, ठीक, उसमें क्या करना रहता है, कार्यालय का नाम तथा समय। अब कार्यालय का नाम तथा समय, जैसे मान के चलिए मैं ही अगर एक वो कर रहा हूँ टेंडर, या कोई पार्टी अगर टेंडर इनवाइट कर रही है तो क्या करेगी, जैसे उसका ऑफिस वर्क टाइम रहता है, जैसे PWD का 10 से 4 रहता है, 10 से 5 रहता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ जाने से आपको ऑफिस बंद मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको कोई टेंडर के बारे में जानकारी लेना है तो आप वो जानकारी को कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए कार्यालय का नाम तथा समय, ठीक है, जो भी ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस का एड्रेस, ये सब चीज़ दिया रहेगा ताकि कोई भी ठेकेदार अगर आपसे टेंडर के बारे में कोई भी जानकारी देना चाहे तो आपके दिए हुए समय पे, दिए हुए स्थान पे आके और जो भी कार्य है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, उसका नक्शा देख सके। ठीक है, कौन से लोकेशन में उसको कार्य करना है, कहाँ पास से उसको कार्य अपना स्टार्ट करवाना है, वो सब चीज़ क्या करेगा, वो कार्यालय में आके देख सकता है। तो इसके लिए कार्यालय का नाम तथा समय देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निविदा फॉर्म का निर्धारित मूल्य तथा उसका प्राप्ति स्थान पता होना चाहिए, और जो फॉर्म है उसको अगर हम डाकघर के थ्रू मंगाते हैं तो उसका हमको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी अपना टेंडर इन्वाइट कर रही है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगी, फार्म का निर्धारित मूल्य तथा उसका प्राप्ति स्थान। अब हम लोग बहुत चीज़ देखते होंगे कि साइबर कैफे के सामने बहुत सारा नोटिस टंगा हुआ रहता है, कुछ जॉब्स से रिलेटेड रहता है, कुछ टेंडर रहता है, जो हमारे पास जो पेपर आता है, ठीक है, पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट रहता है उसमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर दिए हुए रहते हैं, TV में भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टेंडर शो किया जाता है। ठीक है, तो आपका टेंडर, किसी भी इंसान को आपका टेंडर कहाँ से मिल सकता है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलेगा। ठीक, या तो वो डाकघर के थ्रू मंगवा सकता है, आपने एडवर्टाइजमेंट किया है उसको टेंडर के लिए, आपका जो प्रपत्र है वो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट में अपना यहाँ का एड्रेस दे देंगे ताकि वो आपके यहाँ मेल करके आप डाकघर से अपना क्या करें, प्रपत्र को मंगवा सकें। ठीक है, अब निविदा फॉर्म प्राप्त व जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय, निविदा मुद्रण सूचना है, जो सूचना आपने जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने टेंडर का उसमें और क्या मेंशन होना चाहिए, निविदा फॉर्म प्राप्त और जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय। अब ये भी रहेगा तो क्या होगा, कई लोग बहुत दिनों तक उस फॉर्म को फिल करके आपके पास सबमिट करते रहेंगे, तो उस हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे आप लोग का जो एग्ज़ाम फॉर्म रहता है उसका एक स्टार्ट होने का डेट और ख़त्म होने का डेट दोनों मेंशन रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा लेट फीस लगता है। एज इट इज़ जो आपका निविदा, जो आपका टेंडर आमंत्रण सूचना रहता है, ठीक है, उसमें भी एज इट इज़ होता है। अब क्या है, धरोहर राशि प्राप्त करने का माध्यम स्पष्ट होना चाहिए, धरोहर राशि प्राप्त करने का माध्यम स्पष्ट होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं टेंडर का कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक, किसी की पार्टी का मैंने कोई टेंडर लिया हुआ है, तो मैं जैसे जैसे काम को करवाऊँगा मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा मैं अपने जो पार्टी है, जिस पार्टी का टेंडर मैंने लिया है और मैं उस टेंडर पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस पार्टी से मेरे को पैसा कैसे मिलेगा, वो चीज़ क्लियरिफाई होना चाहिए। ठीक है, धरोहर राशि प्राप्त करने का माध्यम स्पष्ट होना चाहिए कि वो कैश पेमेंट करेगा, आपको चेक देगा, या आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, नेफ्ट करेगा, ये सब चीज़ क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक,
प्रति मूलभूत जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट का उल्लेख। अब जो आपका सूचना जो रहेगा, ठीक है, टेंडर को टेंडर इनवाइटिंग नोटिस जो रहेगा उसमें क्या रहेगा आपका धरो प्रति मूलभूत जमा राशि का उल्लेख। अब डिपॉजिट मनी क्या होता है, मान के चलिए 10 ठेकेदार लोगों ने टेंडर भरा, ठीक, एक पार्टी ने टेंडर निकाला जिसमें 10 ठेकेदारों ने टेंडर भरा, उसमें से 9 ठेकेदार तो हट जाएंगे, किसी एक को ही वो पास होगा। अब जिसको पास हुआ उसने क्या किया, आधा काम करवा के आपसे पैसे निकलवा लिए उसने अपने काम से ज़्यादा का, उसको जहाँ पास लगा कि हाँ मेरे को फायदा हुआ उसने काम छोड़ दिया। तो कई बार ये केस भी सामने आ सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट उससे डिपॉजिट करवाया जाता है कि वो आधे बीच में आपके काम को छोड़ के कहीं जा ना सके, ठीक है। अब क्या रहेगा, उसका एक लिमिटेड अमाउंट आपके पास जमा रहेगा, तो वो अमाउंट उसको कब मिलेगा, काम कंप्लीट होने के बाद। तो काम कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, इट मीन्स उसको काम के बीच में छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि उसका भी अमाउंट आपके पास जमा है, तो वो क्या करेगा अपने काम को पूरा करेगा और सही टाइम पे करेगा। क्या रहता है जो सिक्योरिटी अमाउंट का रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला, उसमें कई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपने अगर सही समय पर अपना कार्य पूरा नहीं किया तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से इतना कट जाएगा, या हो सकता है आपने एक्स्ट्रा जो बिलिंग है वो एक्स्ट्रा किया या किसी भी काम को डिले किया तो वहाँ पास आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को काट दिया जाएगा, या आप काम बीच में से छोड़ के जा रहे हैं तो आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ अप्लाई होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, निविदाएँ खोले जाने की तारीख, समय व स्थान का विवरण होना चाहिए। अब मान के चलिए जैसे हम लोग ने बहुत सारा जॉब वैकेंसी भरते हैं, अब जॉब वैकेंसी भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिट के बाद एक टाइम पे टाइम आता है कि इसका जो एग्ज़ाम है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है ये वो इस डेट को होगा, ठीक। तो उसी प्रकार जो टेंडर भरा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें एक डेट दिया जाता है कि इस डेट को आपका टेंडर ओपन होगा और उसमें जिस भी ठेकेदार का नाम, मतलब जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर जाता है उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ आपकी सूचना में मेंशन होना चाहिए। निविदा को बिना सर निरस्त किया जा सकता है या सर निविदित होना चाहिए। अब निविदा को बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है, ये चीज़ सर्वविदित होना चाहिए, मतलब ये अगर आपने इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया है तो क्या हो सकता है, मान के चलिए मैं अगर कोई भी टेंडर निकाला हूँ या कोई भी पार्टी एक टेंडर निकालती है उसमें क्या होता है, अगर इन द केस उस काम को उसको नहीं करवाना है, ठीक, लेकिन उसने इस टॉपिक को मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो क्या नहीं कर सकता, अपने टेंडर को फिर वो वापस कैंसिल नहीं करवा सकता। अगर वो कैंसिल करवाएगा तो जो ठेकेदार लोगों ने टेंडर भरा हुआ है वो उस पर एक एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो टेंडर आपका जो टेंडर उसमें क्या होना चाहिए, निविदा को बिना शर्त मतलब बिना किसी शर्त के, अगर पार्टी या किसी भी व्यक्ति जो भी निविदा निकाला जो भी टेंडर निकाल रहा है अगर उसको मन करे तो बिना शर्त के आपके जो कोटेशन और टेंडर है जो टेंडर है उसको निरस्त कर सकता है, ये अथॉरिटी उसको होनी चाहिए, ठीक। थैंक यू।